चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ए स्टेबल का मतलब होता है कि आउटपुट पर आपको मल्टीवाइब्रेटर से आउटपुट पर आपको एक स्क्वायर वेव मिलेगी, काइंड ऑफ अ स्क्वायर वेव। 0 1 0 1 0 1। ए स्टेबल का मतलब होता है कि आउटपुट पर जो स्क्वायर वेव मिल रही है उसकी एक भी स्टेबल स्टेट नहीं है। मतलब ना तो जीरो उसकी स्टेबल स्टेट है, ना तो वन उसकी स्टेबल स्टेट है। आउटपुट कुछ देर तक जीरो पर बना रहेगा, फिर अपने आप थोड़ी देर बाद वन पर चले जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद वन पर बना रहेगा, फिर अपने आप जीरो पर आ जाएगा, फिर वन पर चला जाएगा, फिर जीरो पर चला जाएगा। इसका मतलब है ना तो जीरो उसकी स्टेबल स्टेट है और ना तो वन उसकी स्टेबल स्टेट है। कंटिन्यू 0 1 0 1 0 1 आपको आउटपुट पर मिलते रहेंगे। चलिए, इस तीनों मल्टीवाइब्रेटर्स को समझने से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि कैसे मल्टीवाइब्रेटर काम करते हैं। हमारे पास में एक ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर को मैंने पावर सप्लाई दी प्लस VCC और यहां से हम इसको इनपुट देंगे। अगर आप ट्रांजिस्टर के बेस पर एक हाई वोल्टेज देते हो, वन देते हो, अगर आप ट्रांजिस्टर के बेस पर लॉजिक वन एक हाई वोल्टेज, तो आपका ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। मतलब वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में जो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर का पोटेंशियल होता है वो सबसे कम हो जाता है, यानी कि मिनिमम हो जाता है। वीसी अपनी मिनिमम स्टेट पर रहता है कलेक्टर पर वोल्टेज। दूसरा लॉजिक है, अगर आप एक ट्रांजिस्टर के बेस पर एक लो वोल्टेज देते हैं तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ स्टेट में चला जाता है। जो कट ऑफ स्टेट का मतलब होता है ओपन सर्किट। आपका ट्रांजिस्टर यहां से ओपन सर्किट हो चुका है या फिर कट ऑफ रीजन में जा चुका है। कट ऑफ रीजन में जो कलेक्टर का पोटेंशियल होता है VC वो हाई होता है या सबसे ज्यादा होता है इन केस ऑफ कट ऑफ रीजन। अगर ये दो लॉजिक क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की वर्किंग। दो ट्रांजिस्टर यहां पे हमने अप्लाई करे हैं Q1 और Q2 और दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड है। दोनों ही एम्पलीफायर से, Q1 भी एक एम्पलीफायर है और Q2 भी एक एम्पलीफायर है। दो ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा। जैसे ही आप प्लस VCC सप्लाई को स्टार्ट करेंगे तो आइदर Q1 और Q2 दोनों में से पहले कोई एक कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर Q1 जो है वो पहले कंडक्ट कर रहा है। तो जैसे ही आपने प्लस VCC सप्लाई स्टार्ट करी, आपका Q1 ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कंडक्शन का मतलब होता है सैचुरेशन रीजन। धीरे धीरे आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन की तरफ बढ़ रहा है तो उसके जो कलेक्टर का वोल्टेज होगा वो डिक्रीज होना चालू कर देगा, कम होना चालू कर देगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलेक्टर का वोल्टेज है, क्योंकि Q1 कंडक्ट कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये जो डिक्रीज्ड वोल्टेज है ये ट्रांजिस्टर Q2 के बेस पर आपने अप्लाई कर दिया। किसी भी ट्रांजिस्टर के बेस पर अगर आप लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ओपन सर्किट हो जाता है, मतलब कट ऑफ रीजन में चला जाता है, मतलब उसका जो कलेक्टर का वोल्टेज है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली Q2 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर ट्रांजिस्टर Q2 के कलेक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका है तो ये बढ़ा हुआ पोटेंशियल आप Q1 ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप किसी भी ट्रांजिस्टर के बेस पर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है और उसका कलेक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने अजम्पशन लिया था कि हमारा Q1 कंडक्ट कर रहा है और वो सैचुरेशन रीजन में है, ये पूरा का पूरा फ्लो जो है हमारे अजम्पशन को
सपोर्ट कर रहा है। कुछ देर बाद Q1 कंप्लीटली सैचुरेशन रीजन को रीच कर जाएगा और Q2 कंप्लीटली कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। आप यहां पर जो आउटपुट ले रहे हैं वो Q1 ट्रांजिस्टर से ले रहे हैं और Q1 ट्रांजिस्टर से कलेक्टर से आप आउटपुट ले रहे हैं। आप देख सकते हैं सैचुरेशन रीजन में कलेक्टर का वोल्टेज मिनिमम होता है टेंडिंग टू जीरो। तो आपको पहली बार में जो आउटपुट मिल रहा है, पहली अनस्टेबल स्टेट मिल रही है जीरो। जीरो आपकी जो अनस्टेबल स्टेट है वो आपको मिलना स्टार्ट होगी तो ट्रांजिस्टर क्यू। अब जो है वो प्लस वीवीवी सप्लाई एक्ट में आना स्टार्ट होगी। प्लस वीवीवी सप्लाई से एक करंट निकलेगा आई। ये करंट जैसे ही ऊपर जाएगा Q2 ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है। कट ऑफ रीजन का मतलब होता है ओपन सर्किट। तो ये जो आपका I1 करंट है ये यहां पे ओपन सर्किट के अंदर नहीं जा सकता। तो I1 करंट यहां से होता हुआ इस कैपेसिटर C1 के अंदर जाएगा और आपका कैपेसिटर C1 चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। आपका जो कैपेसिटर C1 चार्ज हो रहा है वो यहां पर प्लस साइन देगा और यहां पर माइनस। धीरे 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 आपका कैपेसिटर C1 चार्ज हो रहा है। चार्ज हो रहा है मतलब उसके अक्रॉस वो वोल्टेज जनरेट कर रहा है, उसके अक्रॉस वोल्टेज स्टोर हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे C1 के अक्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस होगा ये जो वोल्टेज है ये ट्रांजिस्टर Q2 के बेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब आप देखिए अगर किसी भी ट्रांजिस्टर के बेस पर हम हाई वोल्टेज देते हैं या वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन रीजन की तरफ मूव करता है। तो धीरे धीरे अब आपका Q2 जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन की तरफ मूव कर रहा है, मतलब आप कट ऑफ से जा रहे हैं सैचुरेशन रीजन की तरफ। अगर आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन की तरफ मूव कर रहा है तो उसका जो कलेक्टर का पोटेंशियल होगा वो मिनिमम स्टेट पे जाएगा, लो होगा। अब जो है वो कलेक्टर का जो वोल्टेज है VC की वैल्यू डिक्रीज्ड होगी। ये जो डिक्रीज्ड वैल्यू है ये अब Q1 ट्रांजिस्टर के बेस पर आप अप्लाई करेंगे। ये डिक्रीज्ड वैल्यू जैसे ही Q1 ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगी, आप देखिए किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर हम लो वोल्टेज देते हैं तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला जाता है। कट ऑफ का मतलब है उसका जो कलेक्टर का वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपका जो Q1 ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर का वोल्टेज है अब वो हाई स्टेट पर आ जाए। आपका जो आउटपुट है वो आप कलेक्टर से ले रहे हैं तो ओवरऑल आप देखिए आपका जो जीरो चल रहा था वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, तो जीरो से 1 पर आए। अगेन अब ये साइकिल रिपीट करने अपने आप को स्टार्ट कर देगी, फिर से आपको जीरो और फिर से आपको 1 मिलना स्टार्ट। थैंक यू।